भले ही घर में दोस्तों हम बकवास अकेले अकेले कर ले पर काम हम मिलजुल के करते हैं। देखा अब मम्मी इस जूठी डंडी से खुजली करेगी, तुम जवान बच्चे हो तुम्हारा हाथ नहीं जा रहा कमर तक। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12, आज और शनिवार, तो घर में चल रही है जोरों शोरों से साफ सफाई। ये मेरी पसीने से भरी टी शर्ट इस बात की गवाही दे रही है कि मम्मी दोनों बच्चों में से ज्यादा काम मुझसे करवा रही है। तो कोई बात नहीं, अभी घर का साफ सफाई हो चुका है, डन, नहाते हैं धोते हैं और इसी के साथ शुरू करते हैं इस व्लॉग को। लगता है बेटी तुमसे सुनने में कुछ गलती हो गई, मम्मी ने दरवाजे घिसने कहा था, पीट नहीं, ये डंडी बाहर निकालो, ये डंडी बाहर निकालो, ये स्पेशली डंडी खुजली वाली मम्मी के लिए आई थी ना, क्योंकि उनका कमर तक हाथ नहीं जाता। हाथ दिखाओ, मम्मी की खुजली की डंडी, ये मम्मी का फोक तुमने जूठा कैसे किया। दूसरा हाथ दिखा, अब मम्मी इस जूठी डंडी से खुजली करेगी, तुम जवान बच्चे हो तुम्हारा हाथ नहीं जा रहा कमर तक। बताते हुए शकल में कोई लज्जा कोई शर्म नहीं है, लो कर लो फिर बहन, प्लीज इसको सैनिटाइज कर देना। ठीक है ठीक है, चलो हम खाना खा लेते हैं दोस्तों। आज मम्मी ने बनाया पनीर के परांठे और मैंने साथ में मांगी थी नारियल की चटनी। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ ब्रेकफास्ट करने से पहले, ये देखो भाई, ये मेरे को सुबह सुबह रिसीव हुआ है, मैंने मंगाया था अपने लिए बहुत। अब नहीं हो रही खुजली है, अपनी खुजली वाले हाथ से मेरा बैग छू दिया, दूर हट, दूर हट, सजा मौत मिल जाएगी अभी के अभी, खड़े खड़े यहाँ से हट जा, दोनों बहन देखेंगे, दूर से नहीं दिख रहा तुझे, कहानी थोड़ी है तू, दांत ही तो टेढ़े तेरे, खुद ही आई थी बेइज्जती कराने। तो भाई मैंने अपने लिए एक बैग मंगाया था, क्योंकि यार मैं कहीं ट्रिप वगैरह पे घूमने जाती हूँ ना, तो यार मेरे को सूटकेस ले जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे से तो सूटकेस उठता नहीं है, फिर मेरे साथ जो गया होता है मजबूरी में बेचारे को उठाना पड़ता है, उसके लिए आफत आ जाती है, बेचारे के लिए आफत आ जाती है। जैसे अभी हम ट्रिप पे गए थे तो मेरा भाई और मामा इतने परेशान हो गए थे, वो बेचारे वादियों को तो फील ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वादियों को तो वो फील करता ना जो हल्का महसूस करता, उन बेचारे कंधों में तो बैगों का बोझ था। तो इसलिए अब मैंने अपने लिए एक छोटा सा बैग मंगाया ताकि 5-5 दिन तक ना भी नहाने का बहाना मिल जाएगा और कपड़े भी कम ले जाएंगे। तो ये बड़ा क्यूट सा है, बहुत ही प्यारा सा, आज ही रिसीव हुआ है मुझे। इसके साथ ये स्टीकर मिला था दोस्तों, मैंने यहाँ पे चिपका दिया, तो ठीक है अभी ये जैसे आया था इसको वैसे ही पैक कर देते हैं, क्योंकि ये फालतू में मंगाया गया है, अभी हमारा कहीं जाने का कोई प्लान नहीं है एक साल तक, समझे। हाथ धोए हैं, भगवान कसम हाथ धोए हैं, नहीं 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 मैं क्यों अपने नाक के बाल जलवाऊँ तेरे हाथ सुन के। इस बंदी ने इतना तरोड़ा मरोड़ा मेरा चार्जर, मेरे चार्जर को नंगा कर दिया बीच बीच में से, पूरा ही कर देती ताकि कोई करंट से तो मरता, पर इसने बीच बीच में से किया, बहुत ही बदतमीज़ है ये। किस पोजीशन में बैठी हो, ढंग से बैठ, माँ कसम तू तो तिहाड़ जेल में भर्ती करने लायक है, समझ, ऐसी माँ के कैदी बैठ के खाना खाते हैं, मैंने देखा था न्यूज़ में। पापा ने मना करा ना बालकोनी में टंकी चुगलियाँ नहीं करनी, नहीं मानोगी, मुझे सुन नहीं रही, एकदम इग्नोर। देखो धीरे धीरे बालकोनी से पड़ोसियों के घर की तरफ जाती हुई मेरी मम्मी, मम्मी आ जाओ ये अपना घर है वहाँ नहीं जाना। ये बता नहीं कैसे आ गई ये गंदी चीज हमारे घर, बस आज कूलर साफ कर दिए मम्मी ने, कूलर साफ करने बोला है। ये देखो भैया बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, कूलर चलाना हम बंद करने वाले हैं, क्योंकि ये देख लो कूलर हमेशा साफ होता है हमारे घर का, पर ये देखो जब से बारिश वाला मौसम है क्या हो गया है। अब हम कितनी इसकी धूल साफ करें, वो बेचारी बच्ची अपनी खुजली करे कि कूलर की धूल साफ करे, क्यों सिवान। एक मिनट रुक जाओ मम्मी, ये डंडी अब झूठी हो चुकी है, कोई बात नहीं। तो मैं नहा धोके एकदम गुड गर्ल बन चुकी हूँ और मुझे लग रही है बहुत जोरों शोरों के साथ भूख, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट किया ही नहीं। इसने मेरे को बताया कि बहन पनीर के पराठों में तो पनीर है ही नहीं, तो मैंने सोचा क्या कर फायदा इसको खा के, है ना। पर फिर सिमोन ने बताया कि जो पनीर पराठों से गायब था वो फ्रिज में पड़ा है, तो अब मैं और सिमोन बनाने वाले हैं पनीर के मोमोज। और वैसे भी आज बाहर मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, मतलब ना ही आज बाहर बारिश हो रही है और ना ही बाहर धूप है, तो हमको ये ऐसी मौसम पसंद है। और ये देख रहे हो ये है हरियाणा का खीरा, ये हमको दिया हमारी पड़ोसी आंटी ने, तो ये देसी खीरा है, इसको देसी तरीके से बाद में खाया जाएगा। बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, तो ठंडा पानी पीना बंद कर दो वरना तुम्हें ठंड पै जाएगी गले विच, ठंड पा हो जाओगे तुम, पा जैसे मेरी बहन है ना पा जैसी, वैसे हो जाओगे, मत पिया करो ठंडा पानी। तो ये रहा पनीर, पत्ता गोभी, लहसुन और प्याज, ये मैंने ला के यहाँ पे इकट्ठा किया है, अब आगे का काम ये करेगी, करो। नहीं मैं नहीं, तेरे कटर निकाला था मैंने। कटर की क्या जरूरत है, तुम्हारे दांत है ना फावड़े जैसे घिसे उनमें। ओए, चलो अच्छा चलो चलो चलो, बहुत मेहनत लगती है तो करेगी बेटा, खाने में भी तो बहुत स्वाद आता है। मैं कुछ और कर दूंगी। कुछ और क्या कर देगी तू, लेंटर डाल देगी छत पे, क्या काम करेगी, और यही काम है घर का, कुछ और कर दूंगी, यही करो यही करो। अगर तू अच्छे मोमोज बनाएगी तो मेला दिखाने ले जाऊंगी। ओहो हाँ,
यार तुम लोगों को पता है हम लोगों को मेला देखने का इतना मन है, हम मर रहे हैं मेला देखने जाने के लिए। वैसे भी आज है ना लास्ट डेट है मेले की, पर मजा ले हमारी मम्मी को हम पे दया आ रही है, झूठ बोल के 3600 काम करा लिए, पर एक बार ये नहीं कि मेला दिखा दूं बच्चों को। ओ भैया हमने तो देखा था किसी की वीडियो में, वो लोग बिल्कुल एकदम ऐसे स्टाइल में क्या करते थे, फायर पान ये देखो फायर पान, गंदी बात निकली ना मुझसे। वैसे फायर पान कोई गंदी बात नहीं दोस्तों, मीठे पान में आग लगा के मुंह पर डाल देते हैं, आग बुझ जाती है, आपका खुद कट जाता है क्योंकि मैंने खाया है। मैंने मीठा पान भी खाया है और मैंने फायर पान भी खाया है, पर मैंने सुपारी पान नहीं खाया है भैया, ठीक है। हर चीज की एक लिमिट होती है ना, वैसे पानों में भी लिमिट होती है, मीठा पान और बस मीठा पान, उसके बाद का पान लिमिट पार कर जाता है, तो बस मीठा पान खा सकते हो दोस्तों। और वैसे भी मैं तुम लोगों को बता दूं कि उस मेले में ना इतने बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं, मेला लगा हुआ है द्वारका में और उसमें इतने बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं। मेरी दोस्त गई थी, वो खा रही थी वो वाला बिस्कुट जिसको मुंह में डालते ऐसे धुआं बाहर आता है ना, हाइड्रोजन नाइट्रोजन कोई तो बिस्कुट था, वो जो भी था वो पार्ले जी और दे 55 रुपए का रहे थे, तो मेरे को भी अपने 55 रुपए में आग लगानी है, ठीक है ना। अब तक मैं दूध में डुबा के पार्ले जी तमीज से खाऊं, थोड़ी बदतमीजी करके खाएंगे, न्यूट्रोजन इसमें डाल के नाइट्रोजन, ठीक है। सो अभी मैं फ्रिज में क्या ढूंढ रही हूँ मुझे नहीं पता दोस्तों, पर मुझे कुछ तो मिला है, पिज्जा सॉस ही खा लूं। भुखमरी देख रहे हो कितनी हो गई है, इसने खुद तो अपने 2 पनीर के पराठे खा लिए और मुझे भड़का दिया कि पता है तेरे को पनीर के पराठे में पनीर नहीं है। वाह वाह, ताली बजाओ इसके लिए, ताली बजाओ, मैं बजा देती हूं 1 मिनट। अब 1 हाथ से थोड़ी बजा पाती, 1 हाथ से ताली नहीं बजती, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, तो 1 हाथ से ऐसी वाली बजानी पड़ेगी। वेरी गुड, इतना गुस्सा में तूने क्या करा, हमारी गोभी पटक दी यार, इसकी एक्सपायरी डेट आ गई है। अच्छा, सावास, बहुत अच्छा घर चलाएगी ये लड़की, जिसका भी चलाएगी बहुत ही बढ़िया चलाएगी। इसको ये भी पता है कि सब्जियों की एक्सपायरी डेट कौन सी है, ये वही बच्चे जो पहले बोन मीटा खा जाते थे एक्सपायरी डेट का 4-4 साल तक भी, और आज इन्हें पत्ता वो भी छीलने का मन नहीं, तो कह रहे हैं पत्ता वो भी एक्सपायर हो गई। बच्चों में से लाइट जाती है, टमाटर चुराती थी, तो क्या अपने घर में कोई चुराने वाली बात होती है, अपने घर में आदमी खाता है चुराता नहीं है, भाग जा यहां से, भाग जा। क्या मैं पड़ोसियों के घर से चुराती थी बोन मीटा, निकल यहां से, निकल यहां से, ये वाली बात नहीं बताई जाएगी। अब तुमने बताई दी तो पूरी बता दे, कहीं लोगों को लगे पता नहीं कौन से मैंने खानदानी जेवर बेच दिए चोरी करके। नहीं, लाइट जा रही थी ना तो ये क्या करती थी, टमाटर खाती थी फ्रिज से छुपा के, क्योंकि मम्मी खाने नहीं देती, ये भी तो ऐसे लड्डू की तरह खाती थी। भाई बचपन में ना क्या होता था, मुझे बड़ा मन करता था टमाटर खाने का, कच्चा टमाटर खाने का, और वो टमाटर कभी सस्ते ही नहीं हुए, बचपन से ये सुनता आ रहा हूँ टमाटर महंगे हो गए, टमाटर महंगे हो गए। बेटा 80 रुपए किलो हो गए, वो कभी 80 से 150 हो जाते, कभी 120 हो जाते, कभी सस्ते ही नहीं हुए, तो मैं कब खाऊं, मैं कभी खाऊं ना टमाटर। तो ये लोग ना मेरे को ना उजाले में तो टमाटर खाने देते थे, जैसी लाइट जाती थी मोहल्ले के बच्चे बाहर मैं अंदर, और मैं टमाटर चुरा के खाता था, और छोटा सा बच्चा था मतलब फ्रिज ही मेरा इतना बोना है, तो मैं इतना बोना था, तो मैं ना टमाटर खाती थी, पकड़ में भी नहीं आती थी, क्योंकि पापा लोगों की नज़र ऐसे होती थी, मम्मी की नज़र ऐसे होती थी, अब ऐसे थोड़ी देखेंगे बच्चा कहाँ टमाटर खा रहा है, तो मैं आराम से नीचे बैठ के टमाटर खा लेती थी, 1 किलो का 1/2 किलो होता था, तब तक लाइट आती थी, और फिर अगली सुबह। जब तू मेरे हिस्से का काम करती है ना, मुझे तो दुनिया की सबसे प्यारी बहन लगती है। तो मैंने मोमोज के लिए डो रेडी कर दिया है दोस्तों। अच्छा आपने गूंजा है, अच्छा आपका आटा है, आपने अकेले में छोड़ दिया था, मुझे लगा मैं क्रेडिट ले लूं। चलो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, चलो। भले ही घर में दोस्तों बकवास अकेले अकेले कर ले, पर काम हम मिलजुल के करते हैं। मैंने सब्जी काटी है, सिमोन ने भी मैदा गूंज दिया है, अब मैं और मम्मी बेलेंगे, सिमोन इसके अंदर स्टफिंग भरेगी और उसके बाद हम खाएंगे गर्मा गर्म मोमोज। खाने में किसी को हिस्सेदारी दे ना दे, काम मेरी बहन जरूर देगी मुझे। करती है ना एकदम लिप्स पे थप्पड़ खाने वाली बात, वो तो मेरा बड़प्पन है कि मैं मारती नहीं हूँ इसको दोस्तों। मतलब मोमोज को मोमोज बोलने में नहीं, मोमोज बोलने में जो मजा है ना, वो मजा मुझे आता है, क्योंकि मैं मोमोज को मोमोज ही बोलती हूँ दोस्तों। तो मैंने ना पत्ता गोभी पनीर और प्याज को मिला दिया है, अब मैं इसमें डालूंगी। तू अपना हाथ क्यों बीच में ला रही है बहन? अरे मैंने पकड़ा था। अब मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन भी ऐड किया है, और अब ना इसमें हम डालेंगे गरम गरम रिफाइंड ऑयल, जिससे कि ना टेस्ट बहुत तगड़ा हो जाता है दोस्तों। हाँ, अब इसको ऑयल को डालने से पता है क्या होता है, बड़ा जूसी सा वो बनता है मोमोज, बहुत जूसी सा, मतलब जब तुम मोमोज को खाओगे ना तो एकदम तुम्हारे मुंह पे जूसीनेस वाली फील आएगी। पहले ना हम लोग भी ऑयल ही डाल देते हैं अपने उसमें स्टफिंग में, तो इतना टेस्ट नहीं आता था, पर जब से हमने ये ऑयल डालना शुरू किया ना, हमने किसी की रेसिपी में देखा था, तब से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब ऊपर से इसमें ना थोड़ा सा अजीनोमोटो डालेंगे, ताकि जो ये सारी सब्जी है ना ये गल जाए दोस्तों, गल जाए, और फिर ये हमारी हड्डियां गला दे। मम्मी
तो भाई यहाँ पे आना, मैंने अच्छे से मोमोज बना के रेडी कर दिया। शेप थोड़ी आड़ी तेरी है, इग्नोर करना। और सिमोन यहाँ बना रही है मोमोज वाली रेड चटनी, स्पाइसी स्पाइसी। हालत है ना पूरी पसीने में खराब हो गई है, पर इतना मुंह पे पानी आ रहा है ना मोमोज को देख के। अभी फटाफट से ना हम इसको कढ़ाई में स्टीम करेंगे, क्योंकि हमारे पास मोमोज वाला बर्तन नहीं है। तो ये है ना, तो हमारा क्या बोलते हैं इसको, परात छन्ना 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 छैया 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 जो भी बोलते हैं इसको। इसको अभी थोड़ा बटर लगाएंगे एंड उसके बाद इसके ऊपर रखेंगे ये मोमोज। तो पानी है ना अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें वो थोड़े छोटे बबल्स आ रहे हैं ना, तो अभी गैस को थोड़ा सा हम कम कर देंगे, ठीक है। और उसके ऊपर चढ़ा देंगे छन्नी, इसको रख देंगे इसके ऊपर। अब ये जो इसमें होल्स है ना, इसकी मदद से ऊपर स्टीम आता रहेगा। इसको मैं ढक देती हूँ अब 15 मिनट के लिए। तो भाई मोमोज बन के रेडी, और ये इतने सॉफ्ट सॉफ्ट से बने ना, इनमें ना मैंने कुछ ज्यादा ही भर भर के पनीर डाल दिया, और इसी वजह से ना ये ऐसे बाहर आ गया पूरा पनीर, ये देख रहे हो। नो डाउट ये चटनी और मोमोज इतना ज्यादा टेस्टी बनाया ना। तो भाई सब लोगों ने लंच कर लिया, लंच मतलब मोमोज खा लिए, इतने टेस्टी मोमोज बने थे ना। मम्मी का मन कर रहा था मेरे हाथ चूम ले, पर इस उम्र में इतने बड़े बच्चे का हाथ कहाँ ही चूमती मम्मी। तो अभी मैं मम्मी और सिमोन जा रहे हैं द्वारका बड़ी मम्मी के घर, और फटाफट से रेडी हो जाते हैं। सिमोन गई है मार्केट, मुझे समझ नहीं आ रहा पहनूं तो पहनूं क्या, कपड़े अलमारी का हाल मेरा कुछ ऐसा हो चुका है। तो कल संडे है ना, कोई बात नहीं दोस्तों, संडे को अलमारी लगा लेंगे बैठ के। क्या हो गया, कहाँ जा रही हैं, तो है। तो अभी देखती हूँ क्या पहनूंगी, कपड़े भी नहीं मिल रहे, सोच रही हूँ ये वाला टॉप पहन लूँ। फिलहाल अभी सिमोन गई है मार्केट अपना कुछ सामान वगैरह लाने, इसको प्रोजेक्ट्स वगैरह भी कंप्लीट करना है। ये वाला टॉप पहन लेती हूँ रंग बिरंगा, रेनबो लगूंगी। सो यस, सिमोन अभी गई है मार्केट, उसे कुछ सामान लाना है। जब तक मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, मम्मी को भी रेडी करते हैं, नहाते हैं धोते हैं, और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।